बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज प्रोग्राम में जी फैसिलिटेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस एंड एनहांसमेंट ऑफ टैक्स बेस के साथ हम सब यहां पर मौजूद हैं। और इससे पहले कि हम अपने आज के वेबिनार का आगाज करें, मैं कारी जुबैर रहमान ज़बैरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तिलावत कुरान पाक करें ताकि हम अपने सेशन का आगाज करें। कारी साहब प्लीज तिलावत करिएगा। بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا ضربت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। جزاك الله خير। मैं सबसे पहले तो जी उमर फारूक खान साहब जो कि एनफोर्समेंट और फैसिलिटेशन ऑफिसर हैं पीआरए के, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो आज यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का शुक्रगुजार हूं। मैं कारी जुहैबुर रहमान जुबैरी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं टेल मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी वजह से आज हम आप तक लाइव पहुंच रहे हैं और हम ये फैसिलिटेशन वेबिनार कर रहे हैं। जैसा कि जी हम सबको पता है कि जिस तरह से टैक्स सिस्टम्स में डेवलपमेंट हो रही है, ऑटोमेशन है, हमारी तमाम इंफॉर्मेशन अब डिपार्टमेंट्स के पास है, चाहे वो पीआरए हो, चाहे वो एफपीआर हो, कोई और रेवेन्यू अथॉरिटी हो। और अब अगर ये हम समझें या कोई भी ये समझे कि हम अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को डिपार्टमेंट से छुपा सकते हैं तो शायद हमारी गलतफहमी है। हमें अपनी हर इंफॉर्मेशन को रिटर्न के जरिए फाइल करना चाहिए। हमारी कौमी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने रिटर्न्स को फाइल करें, हम अपने इस कौमी फरीजे को अदा करें। और अब चूंकि हम छुपा नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि हमारी तमाम इंफॉर्मेशन हमारे सीएनआईसी के अगेंस्ट होती हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने रिटर्न्स को प्रॉपरली फाइल करें और अपनी इंफॉर्मेशन हम गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। तो उमर फारूक साहब, मैं दोबारा आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप हमें थोड़ा सा पीआरए के मुतालिक बताइए कि पीआरए और बाकी जितनी भी जो प्रोविंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनमें क्या फर्क है और पीआरए किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है जो जो लोग टैक्स नेट में नहीं आ रहे या जो लोग टैक्स नेट के अंदर हैं ऑलरेडी पीआरए के साथ। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशी सर, थैंक यू सो मच। आज एक मौका मिला है कि डिपार्टमेंट आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है और आपके कंसर्न्स भी सुनेंगे और उसका सोल्यूशन ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। अच्छा, नंबर वन, ऑब्वियसली आप लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, मार्केट में हैं, कई ऐसे ऐसे कारोबार कर रहे हैं, तो बेसिक जो आप लोग समझते हैं कि जो डिपार्टमेंट्स हैं 18th अमेंडमेंट के बाद इनका ये प्रोविंशियल अथॉरिटीज बनी और सेल्स टैक्स सर्विसेज कलेक्ट करने का जो इख्तियार है वो इनको मिल गया। अच्छा, अब थोड़ा सा सिनेरियो ऐसा है कि लास्ट ईयर आपको हम सबको पता है कि हम एक पैंडेमिक सिचुएशन से गुजरे हैं, कोविड की सिचुएशन से, जिससे कारोबारी लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। कई सारी बड़ी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है और सारे ऐसे मामला हुए हैं। अच्छा, इस चीज को देखते हुए जब से हम दोबारा लॉकडाउन के दौरान तो बिल्कुल ऑपरेशंस एक तरह से शुरू की गए थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद सिचुएशन ऐसी हुई कि हमने टैक्स पेयर्स को बहुत ज्यादा तंग नहीं किया और तंग हम किसी टैक्स पेयर को करना भी नहीं चाहते जो कि हमारा एक एम होता है। सिर्फ हमने जो हमारी स्ट्रेटजीज नहीं है कलेक्शन की, आपने सुना होगा कि अभी हमने ऑलमोस्ट 41% इंक्रीज हमारी कलेक्शन में आया है जो कि सेमी एनुअल कलेक्शन है कंपेयर टू लास्ट ईयर। उसकी मेजर वजह जो है वो स्मार्ट वर्किंग स्ट्रेटजी है। स्मार्ट वर्किंग स्ट्रेटजी में ऐसे कि हमने सिर्फ नोटिसेस भेजे हैं, फाइलर्स को बढ़ाया, नॉन फाइलर्स को चेंज करके फाइलर्स में तब्दील किया है, और जो हमारे हार्श एक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी के एक और इंपाउंडिंग करना, ऑडिट करना, सीलिंग करना, हमने ऐसी कोई एक्टिविटी इस सेमी एनुअल क्लोजिंग के तहत हमने नहीं की। और हमारा एक्शन भी, हम नहीं चाहते कि हम किसी को सील करें, हमारे लिए भी उतना प्रॉब्लम होता है, तो सिर्फ ऐसा एक्शन कंसिस्टेंट नॉन कंप्लायंट सर्विस प्रोवाइडर्स के अगेंस्ट होता है। और ये अभी तक स्ट्रेटजी हमारी चल रही है कि हम सिर्फ अवेयरनेस और कंप्लायंस लेवल बढ़ाएं।
मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत से लोगों को अवेयरनेस ही नहीं मौजूद नहीं है, और ये डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दें और लोग टैक्स नेट के अंदर आए। और जिसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि सबसे पहले लोग तो ये सवाल पूछते हैं कि हमें फायदा क्या होगा अगर हम टैक्स नेट के अंदर आएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यहाँ पर ये जरूर होगी कि ये जरूर बताइए कि जो पीआरए है उसकी जो रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट में क्या फर्क है, किसने अपने आप को रजिस्टर कराना है, किसने अपने आप को एनरोल कराना है, किसके लिए लाजमी है कि वो अपने आप को रजिस्टर या एनरोल कराए। और क्योंकि नॉर्मली एक परसेप्शन ये है, और जो हमारे कुछ लॉयर्स हजरात भी हैं वो ये कहते हैं कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स को कि चूंकि आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको अपने आप को पीआरए के अंदर रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। तो हमें इस गलतफहमी को भी दूर करने की जरूरत है, और हम चाहेंगे कि आप बताएं कि पीआरए में किसने अपने आप को रजिस्टर कराना है या एनरोल कराना है। और एक सवाल इसी में एडिशन में आपसे ये भी करूंगा कि जिस तरह एफबीआर में होता है कि जब जिस दिन आप अपने आप को रजिस्टर कराते हैं आपने वहां से अपनी कंप्लायंस करनी होती है, तो क्या पीआरए में भी ऐसा ही है कि जिस दिन आप अपने आप को रजिस्टर कराएंगे आप अपनी कंप्लायंस कराएंगे, या उससे पहले से अपने आप को रजिस्टर कराएंगे? और जो लोग अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते हैं, हमारे सुनने वालों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई अपने आप को रजिस्टर नहीं कराता तो क्या पेनल्टीज हैं या क्या उन्हें फीस या जुर्माने देने पड़ेंगे ताकि लोग अपने आप को रजिस्टर कराएं। जी उमर साहब, जी सर, इसमें ऐसे है, इसको स्टार्ट ऐसे करते हैं, हम लोगों की पास जितने भी टैक्स पे रजिस्टर्ड है वो दो कैटेगरी, एक है सर्विस प्रोवाइडर जो कि जिसने जिसको तो कोई माफी है ही नहीं, आई मीन सर्विस प्रोवाइडर जो कि हमारे सेकंड स्केड्यूल के अंदर सारी सर्विसेज लिस्टेड हैं, अगर ऐसा कोई सर्विस प्रोवाइडर उस लिस्ट में फॉल कर रहा है तो उसने अपने आप को रजिस्टर कराना, दैट इज श्योर श्योर। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो रजिस्टर होता है हमारे पास, वो इनरोल नहीं होता। मैं थोड़ा सा उन दोनों चीजों में फर्क बता देता हूँ। रजिस्टर के अंदर मुराद ये है कि जो हमारे पास रजिस्टर होता है तो उसकी रिटर्न की तमाम फंक्शनैलिटीज जिसके उसके नेक्स्चर्स हैं वो सारे मामला जो वो इनपुट क्लेम करता है, या अगर वो विदहोल्डिंग एजेंट भी है सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ, तो रजिस्टर होने के बाद उसके ऊपर ये तमाम ऑब्लिगेशंस आ जाती है। वेयर एज जो इनरोलमेंट का वर्ड है, इनरोलमेंट बेसिकली विदहोल्डिंग एजेंट के लिए है जो कि एक या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। इनरोल वो हमारे पास जरूर होते हैं, लेकिन वो सिर्फ रिटर्न जब वो विदहोल्ड करते हैं टैक्स आपका तो वो एक फॉर्म ए जमा करा देते हैं या एक स्टेटमेंट की शक्ल में हमें जमा करा देते हैं। तो बेसिक डिफरेंस तो ये है रजिस्ट्रेशन और इनरोलमेंट के अंदर। अच्छा, अब बात आती है कि जो अपने आप को रजिस्टर नहीं कराता डिपार्टमेंट उसके बेस क्या कर रहा है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सर्विसेज की। सर्विसेज के अंदर हमारा एक जो बेसिक तरीकेकार है वो यही है कि डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन के नोटिसेस भेजता है, और लॉ तो हमें यही कहता है कि आपने अगर काम स्टार्ट किया तो लॉ, जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी चलानी है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड है, इसी तरह अगर आपने सर्विस बेस्ड कोई भी काम स्टार्ट किया तो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपने अपने आप को रजिस्टर कराना है। और जो शख्स अपने आप को रजिस्टर नहीं कराता उसको हम नोटिसेस करते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस हमारी ये है कि हम 3 से 4 चांस देते हैं उसको, उसके बाद हम उसको अगर वो तब भी हमें रिप्लाई ना करें या ना करें तो फिर कंपलसरीली रजिस्टर करके 50,000 रुपीज का जुर्माना होता है उस बंदे को, यानी कि फिर उसको रेगुलराइज करना ही करना है अपने आप को। देखिए ना, 3 मौके दे दे आप एक जस्ट प्रोफेशनल चीज को साइड पर रखे, लेमैन टर्म्स में अगर बात करें, आपका व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई ना करे तो आप थोड़ा सा माइंड कर जाते हैं कि मैंने मैसेज किया था आगे से रिप्लाई नहीं आया। तो जस्ट इमेजिन कि अगर एक गवर्नमेंट आपको नोटिस भेज रही है और आप उसका रिप्लाई नहीं करते तो दैट इज क्वाइट ऑफेंसिव। ये बात है, मतलब है कि लेकिन नॉर्मली जो पीआरए की रिप्यूट है वो बहुत अच्छी है, और एज सच कोई हमें परेशानी नॉर्मली बिजनेस कम्युनिटी से भी नहीं आ रही कि आप लोग हैरेस कर रहे हैं। लेकिन आजकल सुनने में आ रहे हैं कि आपके नोटिसेस काफी ज्यादा मकदार में जा रहे हैं लोगों को और बाकी मार्केट्स में भी जा रहे हैं, तो उससे क्या हैरेसमेंट कंसर्न नहीं होगा? और देखें उमर साहब, मैं यहाँ एक बात ये कर कि नॉर्मली जो टैक्स पेयर है उसका परसेप्शन ये है कि वही लोग परेशानी में है या वही लोग मुश्किल में है, वही कानून की पासदारी करते हैं, फाइल्स भी, स्टेटमेंट्स भी, फिर तमाम पेनल्टीज भी जो टैक्स नेट के अंदर है। तो देखिए, पहले अगर आप पीआरए में अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, आपने अल्टीमेटली एफबीआर में भी कराया होगा, आपने बाकी डिपार्टमेंट्स में भी कराया हुआ है, तो जो हम एक ये मोटो लेके चल रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हम सिंप्लीफिकेशन का जो मोटो लेके चल रहे हैं, तो क्या इसमें ये हर्डल नहीं आएगा
कि हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ सिस्टम, दूसरी तरफ हम जो टैक्स पेज है, जो टैक्स बेस में लोग आना चाहते हैं या जो जो डरते हैं आते हुए, तो क्या वो रुकेंगे नहीं इस वजह से कि हमें बहुत सी फिर देखें, जब आप जब जाएंगे तो अल्टीमेटली बहुत से लोग अपनी रिटर्न्स को खुद नहीं फाइल कर सकते, उन्हें लॉयर रखना पड़ेगा, उसको फीस देनी पड़ेगी, फिर कोई देर हो जाएगी, तो प्लीज इसके मुतालिक भी जरूर बताइए। मैं इसी तरफ आ रहा था, बिल्कुल मैं इसी तरफ आ रहा था, मैंने सर्विस प्रोवाइडर से पहले, अभी मैं होल्डिंग की तरफ में बाद में आता हूँ, पहले मैं सर्विस प्रोवाइडर की बात कंप्लीट करके मैं इसी तरफ आ रहा था। देखिए सर, अवेयरनेस के लिए हम ये करते हैं कि हम लोग रेगुलरली बिजनेस कम्युनिटी के साथ वर्कशॉप्स क्रिएट करें, जैसे माशाल्लाह आपकी एसोसिएशन है, मीटिंग करने का यही फायदा है कि आप जो हम पैगाम आपसे लेके जाएंगे आप वो फर्दर उसको सर्कुलेट करेंगे एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अच्छा, उसमें सर ऐसे है, हम लोग फैसिलिटेट कैसे कर रहे हैं और अवेयरनेस कैसे कर रहे हैं? फैसिलिटेशन ऐसी है कि सर आप लाहौर में अगर हमारे ऑपरेशंस बिल्डिंग में तशरीफ लाए, हमने टैक्स पेयर फैसिलिटेशन सेंटर बना दिया है। जो टैक्स पेयर, एक तो एक है कॉर्पोरेट लेवल, जो लोग अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं वो लोग लॉयर्स अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने बाकी चीजों के लिए भी लॉयर्स रखे होते हैं, लेकिन एक जो बेचारा छोटा टैक्स पेयर है सर, उसके लिए हमने ये फैसिलिटेशन सेंटर बनाया कि उसको रिटर्न फाइलिंग भी हम यहाँ पे सिखाते हैं, उसको रजिस्टर भी हम करके देते हैं, उसको किसी लॉयर की जरूरत नहीं है, उसको जो गाइडेंस चाहिए वो कभी भी हमारे जो हमारा ऑफिस टाइमिंग है वो तशरीफ लेके आए और हम उसको वहां पे टोटल गाइडेंस देते हैं। और दूसरी बात यह है कि ब्रॉडनिंग की बात जहां तक है, ब्रॉडनिंग हमारी वर्टिकल नहीं है, यानी कि वर्टिकल अगर सारा ब्रॉडनिंग करें तो हम सॉरी टू से एक बेचारा मोची भी फिर वो भी सर्विस प्रोवाइडर है, तो हमने उससे तो टैक्स कलेक्ट नहीं करना। हमारी जो मेन स्ट्रेटेजी है वो हॉरिजॉन्टल ब्रॉडनिंग है, जिसमें के वैसा टैक्स पेयर जो टैक्स देंगे तो मुल्क उसमें से कोई मेजर फायदा हो, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। अच्छा, अब बात आई कि फैसिलिटेट कैसे कर रहे हैं, वो मैंने आपको बताया कि हमने फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया है, हम अवेयरनेस वर्कशॉप्स करते हैं। आपने खुद मुझे देखा होगा कि मैं कई जगह, इवन मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी स्टार्ट कर देता हूँ गाइड करना कि जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स खोल लिए हैं, रेस्टोरेंट्स खोल लिए हैं, उस मामले में। तो एक तो सर ये है। अब सर सेकेंड बात करते हैं, जो आप कहते हैं कि नोटिस आजकल बहुत ज्यादा जा रहे हैं। सर नोटिस इसका ये है, नोटिस सर्विस प्रोवाइडर्स को तो जा ही रहे हैं, उसके अलावा विद होल्डिंग एजेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा नोटिसेस जा रहे हैं। हम आते हैं अपनी दूसरी साइड पे जो कि विद होल्डिंग है। सर जो विद होल्डिंग रूल्स है ना, जब 2015 में विद होल्डिंग रूल्स बने, उसमें यह है कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, चाहे वो PRA से इनरोल्ड है या नहीं है, उसकी ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो अगर कोई सर्विस ले रही है उसने विद होल्ड कर टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराना है। अच्छा, अब उसमें रहा आपका क्वेश्चन कि एक होल्डिंग एजेंट को डिपार्टमेंट में रजिस्टर होने का क्या फायदा है? देखिए सर, फायदे की हम डायरेक्टली इस तरह से बात नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि एक लॉ है और जो लॉ है हमें फॉलो करना होता है लीगली, उसकी लीगल हमारी एक ऑब्लिगेशन है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की। लेकिन आप, मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को, और शायद आपका भी अगला सवाल यही हो कि अगर मैं आज की डेट में डिपार्टमेंट में रजिस्टर होता हूं तो क्या, जो मैंने फॉर एग्जाम्पल पीछे अगर मैंने विद होल्डिंग नहीं की तो क्या डिपार्टमेंट मुझे उस पर पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा? तो सर इसमें यह है कि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हम देख सकते हैं। एटलीस्ट टैक्स नेट में सर आए तो सही ना, हम आपको सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं, आपको इश्यू होता है हमारे पास तशरीफ ले आए, तो जहां तक हो सकेगा आपको, अब आपको जा रहे हैं तो मैं अगर ये आपसे कहूं कि देखें, कुछ लोगों को तो अवेयरनेस की वजह से अपने आप को रजिस्टर कराना है या नहीं कराना, जैसा कि अब आपने ये बताया कि जो आपकी एनरोलमेंट है या विद होल्डिंग एजेंट एज इन आपने एनरोलमेंट करानी है, तो ऐसे तमाम, मैं अगर इसको सादा जुबान में कहूं जो कि हमारे तमाम सुनने वालों को समझ आए, कि ऐसे तमाम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो किसी से सर्विस ले रहे हैं उनके लिए भी लाजमी है कि वो अपने आप को PRA में रजिस्टर कराएं, चाहे वो सर्विस नहीं दे रहे लेकिन वो सर्विस ले रहे हैं, और उन्हें उसके ऊपर, उस सर्विस के ऊपर विधेयक करना चाहिए। अब मेरा यहाँ पर भी आपसे अब यही सवाल आता है एक अगला, कि देखें बहुत से सर्विस, जैसे आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस की भी सर्विसेज बीच में आ जाती हैं, अब आपके लॉयर्स भी हैं, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, अब आपको हर जगह से आपको सेल्स टैक्स की इनवॉइस नहीं मिलती, क्योंकि बहुत से जो आपको सप्लाई दे रहे हैं या आपको सर्विस दे रहे हैं वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब इसका तो ये मतलब हुआ, अगर हमने विदहोल्डिंग उसकी करनी है टैक्स की जो कि 16% है, तो फिर तो जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी जेब से वो जमा करवाएगा, अगर 16% है, अगर हम लोगों की आसानी के लिए 1,00,000 रुपए की इनवाइस ले लें, तो जो अगर उसने हमें चार्ज करना है 1,00,000 के ऊपर 16%, 16,000 रुपया, तो अगर वो 1,00,000 रुपए की इनवाइस देता है तो इसका यह मतलब है कि हमने उसको 1,00,000 रुपया अलहदा देना है और 16,000 रुपया अलहदा काट के जमा करवाना
है। और देखें, एक तो आप हमें इसका बताइए, दूसरा जो विदहोल्डिंग एजेंट है, अगर आपका जो सप्लायर है यानी कि जो भी आपका जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर है, वो अगर 1,00,000 के ऊपर 16,000 रुपए आपको सेल्स टैक्स के साथ इनवॉइस दे रहे हैं, तो दोनों की क्या ट्रीटमेंट फर्क होगी? और अगर मैंने 16,000 अपनी जेब से देना है तो वो तो मेरी कॉस्ट बढ़ गई, उससे आप क्या उस शख्स के खिलाफ या ऐसे लोगों के खिलाफ पीआरए क्या करेगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा एनरोल हो, रजिस्टर हो, ताकि हमारा बर्डन कम हो? जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। नंबर वन, पहला सिनेरियो ये आ जाता है कि एक बंदे ने आपको 1,00,000 रुपए की इनवॉइस के ऊपर 16,000 रुपया टैक्स डाल के आपको इनवॉइस दे दी है। अच्छा सर, एप्लीकेबिलिटी विदहोल्डिंग की ऐसे है कि आपने विदहोल्डिंग उसकी करनी है जो कि एक एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, सॉरी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं फॉल करता। और एक्टिव टैक्स पेयर की हमारे यहाँ डेफिनेशन ये चलती है कि जिसने 6 महीने से रिटर्न फाइल की हो। अच्छा, अब सर एक तो पहला सिनेरियो ये हो गया कि उसने इनवॉइस के ऊपर सेल्स टैक्स की अमाउंट मेंशन की भी है, तो आप ऑटोमेटिकली वो अमाउंट विदहोल्ड करके डिपार्टमेंट को रजिस्टर करा देंगे, और जो कि जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो उसके अगेंस्ट शो हो रहा होगा कि इतना डिपार्टमेंट ने आपने उसका टैक्स विदहोल्ड करके जमा करा दिया, वो सिर्फ रिटर्न फाइल कर देगा। सेकंड सिनेरियो जो कि थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपकी कॉस्ट बन जाती है। अच्छा सर, उस पे ये है कि 1,00,000 रुपया जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए सर विदहोल्डिंग एजेंट बनाया जाता है कि वो आइडेंटिफाई करे और वो अनरजिस्टर्ड लोगों को मजबूर करे कि वो डिपार्टमेंट में सर रजिस्टर हो। जब आपको असूली तौर पे तो सर ये चाहिए कि आप उसकी कॉस्ट में एडजस्ट करें वो 16,000 रुपए जो उसने आपसे चार्ज किया, असूली तौर पर तो ये होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ऐसा ट्रेंड नहीं है, तो जब आप ऑटोमेटिकली सर आप जैसे रिस्पॉन्सिबल लोग जब ये करना शुरू कर देंगे ना, तो वो लोग भी मजबूर हो जाएंगे डिपार्टमेंट में रजिस्टर करने के लिए। और जब हमारी विदहोल्डिंग की बेस जो आजकल आप कह रहे हैं नोटिस आ रहे हैं, जब हम उसको नेट को बढ़ा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सर वो लोग जो नॉन कंप्लायंट है वो भागेंगे डिपार्टमेंट अपने आपको रजिस्टर करने के लिए। तो इस पे सर मैं आपको थोड़ा सा यही कर सकता हूं कि सपोर्ट के लिए सर हम आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा सेक्टर है जो डिपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि सर डिपार्टमेंट में इंसान ही बैठे हुए हैं ना, कुछ चीजें मिस भी हो जाती हैं, तो अगर आपको लगता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सेक्टर अनटैप रह गया, तो आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड और कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं, आप हमें दे सकते हैं और हम उनके उनको कंप्लायंस लेवल पे ला सकते हैं। मैं अगर फ्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के प्लेटफॉर्म से आपसे बात करूं कि देखें ऐसे लोग जिनको नोटिसेस गए हैं और उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया, तो क्या हम और वो अब वॉलंटरीली अपने आप को रजिस्टर, देखें अल्टीमेटली जब तक आप किसी को नोटिस नहीं डालेंगे तो वो नहीं टैक्स नेट के अंदर आएगा, या अनअवेयरनेस भी हो सकती है, तो क्या हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा शख्स जो आपके पास आए और वो कहे कि जी मैं अपने आप को रजिस्टर करता हूं, तो आप उसके पिछले ऑडिट्स ना खोलें और अपना थोड़ा सा उसके साथ जो कहते हैं कि जरा प्यार मोहब्बत वाला हिसाब रखें और बहुत ज्यादा उसके लिए ना हो। और इन एडिशन टू इट मैं एक और सवाल भी यहाँ करता चलूं कि एक तो आप उस सवाल का जवाब देंगे, दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके पंजाब पीआरए का जो टैक्स रेट है वो है 16%। अब बाकी जो प्रोविंशियल जो डिपार्टमेंट्स हैं, केपीके का 13% है और जो एसआरबी का 13 है, केपीके का 15% है, तो क्या यहाँ पर डिस्पैरिटी नहीं है कि हम प्रोविंसेस में एक जैसा नहीं है? और दूसरा, जब जो इंपोर्टर्स हैं जो आपके स्पेशली जो पंजाब में है, इससे पहले आपका 0.9% पीआईडीसी लगा हुआ था ड्यूरिंग कोविड, जो कि आपने जिक्र भी किया कोविड का कि बहुत से मामलात लोगों के कारोबारी जो थे उनके बिजनेसेस भी बंद हुए, ले ऑफ भी हुए, और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा पीआरए डिपार्टमेंट को कि पीआरए ने बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज दी, अपने रेट्स को कम किया जिसमें वो प्रोफेशनल टैक्स को भी कम किया और वो 3 माह के लिए बहुत सी सर्विसेज पे टैक्स को जीरो कर दिया, पीआईडीसी का जो टैक्स था 0.9% पंजाब में वो कम किया। एक तो ये सवाल है कि क्या वो 0.9% पीआईडीसी जो है वो कंटिन्यूसली अभी वो खत्म कर दिया गया है या वो सिर्फ ड्यूरिंग दैट वो जो 3 महीने के लिए था वो था, और जितने भी स्पेशल जो रेट्स दिए थे पीआरए ने जो कम किए थे सर्विसेज के ऊपर, क्या वो नया एक सर्कल आ गया है या अभी तक उसी तरह से चल रहा है? प्लीज सर, सर इस पे जो कि सर आपका पहला सवाल था कि अगर फ्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स की तरफ से आप लोगों को मोटिवेट करें एज अब वो वॉलंटरीली रजिस्टर हो जाएं एज विदहोल्डिंग एजेंट्स, तो क्या डिपार्टमेंट उनके खिलाफ पुराना ऑडिट खोलेगा कि नहीं? इसका सर आपको मैं फिक्स जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन क्योंकि आप एक
अपनी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का वो सबूत दे रहे हैं, तो आई एम श्योर के वी विल बी एबल टू यू नो सपोर्ट यू. तो आपकी तरफ से कोई भी रेफरेंस आएगा आप उसको मेरे पास भेज दीजिएगा, विल मैनेज. नंबर वन. अच्छा, नंबर टू सर, आपका पॉइंट ये है कि कोविड के दौरान बहुत सारी सर्विसेज पे जीरो रेटेड किया गया था टैक्स, जून तक था सर वो. अच्छा, उसके बाद सर मुझे जो स्पेसिफिक आप बता रहे हैं पीएडीसी का रेट, मुझे वो चेक करना पड़ेगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट सर्कुलर राइट नाउ, लेकिन अभी भी जो बाकी 20 सर्विसेज हैं उस पे रेट वैसे ही रिड्यूस था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स पे टैक्स था वो अभी भी जीरो रेटेड है सर. इसी तरह हमने रेस्टोरेंट्स होटल्स वगैरह पे टैक्स रेट रिड्यूस कर दिया था, आपने वो सुना होगा 5% कर दिया था, यानी कि टोटल हमारी 20 सर्विसेज का टैक्स रेट रिड्यूस हुआ था और उसके बावजूद भी सर हमने इतनी कलेक्शन कर ली है. लेकिन देखिए सर, गवर्नमेंट ने जब देखा कि ये वाले सेक्टर्स बुरी तरह से अफेक्ट हो रहे हैं और उनको सर्वाइवल का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली सर गवर्नमेंट और जो डिपार्टमेंट है वो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो हमने रेट रिड्यूस कर दिया. अच्छा, अब सर सेकंड बात आपकी हार्मोनाइजेशन वाली जो बात है, डिफरेंस डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं. अच्छा सर, इसमें आपको बताता चलूं, ये आपने पॉइंट रेस किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं भी समझता हूं. इस पे सर हमारे चेयरमैन साहब बहुत ज्यादा कमिटेड हैं और इस पे हमारी इंटर प्रोविंशियल मीटिंग्स हर महीने हो रही हैं. तमाम अथॉरिटीज के चेयरमैन और FBR के भी मेंबर हजरात बैठ के इसी पे वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि ये एकदम इतना आसान नहीं है कि फौरन से इसको हम हार्मोनाइजेशन की तरफ चले जाएं. लेकिन सर आई अश्योर यू कि उसमें से एक मीटिंग पे मैं भी था आज से 2 हफ्ते पहले सर, तो हार्मोनाइजेशन की तरफ हमारा एम पूरा है और हम टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करने के लिए यही चाह रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड रेट हो जाए ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो और किसी को मसला दरपेश ना आए इन फ्यूचर सर. तो इस पर इस तरफ से आप जी इस तरफ से आप सर फिक्र छोड़ दें, ये इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर ये हार्मोनाइजेशन हो जाएगी सर. जी थैंक यू वेरी मच. एक तो जी मैं फ्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि अगर हम किसी को कोई वॉलंटरीली अपने आप को रजिस्टर कराना चाहे या हम उसको रेफर करें तो प्लीज आप उसको फैसिलिटेट करिए. मैं उमर साहब, चूंकि सवालात आते भी जा रहे हैं, लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं आज के सेशन में, तो एक सवाल आया है ओरिजिनेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज का, कि एक बहुत बड़ा इशू है कि जब आपकी सर्विसेज, चूंकि जो भी ये सर्विसेज हैं चाहे वो PRA से रिलेटेड हो चाहे SRB से रिलेटेड हो, तो टर्मिनेट होनी है आपको वहां भी अपने आप को रजिस्टर कराना है और जहां पर टर्मिनेट होनी है आपने अपने आप को वहां पर भी रजिस्टर कराना है, तो क्या ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा लोगों के लिए? अगर एक रिटर्न हो जाए तो क्या ये आसान नहीं होगा कि FBR की रिटर्न के साथ ही आपकी तमाम प्रोविंसेस के रिटर्न हो, और अगर आप अक्रॉस द बोर्ड अपने आप को सारे रजिस्टर कर जाते हैं तो क्या ये बेहतर नहीं हो जाएगा? प्लीज सर मैं इस पे इतना अर्ज करता हूं सर. बेसिकली ये मामला क्रिएट ऐसे हुआ था कि ये आप अगर हमारे एक्ट के अंदर भी ये चीज पढ़े ना, तो सर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वर्ड यूज है, अथॉरिटी का वर्ड यूज नहीं है. एज इन के फॉर एग्जांपल कि SRB से अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड है वहां से सर्विस निकले तो वो PRA में देगा कि नहीं, ऐसा वर्ड नहीं है. गवर्नमेंट का वर्ड यूज है क्योंकि सर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इसका अख्तियार आ गया था, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने ये रिक्वायरमेंट रख दी थी कि जी सर ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन का जो कॉन्सेप्ट रख दिया था. मैं सर बिल्कुल समझ सकता हूं कि एक शख्स जो कि से सर्विस दे के एग्जी उसकी खत्म होती है पंजाब के अंदर, उसके लिए ये प्रॉब्लम है कि वो दो डिपार्टमेंट में रजिस्टर हो, और आई टोटली अंडरस्टैंड. और इसी पॉइंट पे मैं आने लगा था, लेकिन उससे पहले आपने मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लिया. वो पॉइंट ये था कि हार्मोनाइजेशन की जहां उस मीटिंग में बात हो रही है, उसी तरह सिंगल रिटर्न पे भी सर बात हो रही है, वो एक सेकंड पॉइंट है. और ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन आई एम वेरी श्योर मैं समझ सकता हूं आपके एंड से कि ये प्रॉब्लम है टैक्स पेयर्स और बिजनेस के लोगों के लिए, और ये दोनों का चीजों पे काम हो रहा है ऑलरेडी. तो इंशाल्लाह यू विल सी इन फ्यूचर, क्योंकि सर हमने टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करना है, हमने उसको तंग नहीं करना, हमारा मकसद देखें PRA की. मैं फिर दोबारा कहूंगा कि PRA की रिप्यूट बाकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स और अथॉरिटीज हैं उसके मुकाबले में बहुत अच्छी है. एक सवाल और जी यहाँ पर जो कि बहुत ज्यादा अभी आया, कि जो आपकी आउटसोर्स कंपनीज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स कंपनीज हैं, उनका एक बहुत इशू चल रहा है कि आप अल्टीमेटली वो अपनी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं आउटसोर्सिंग के लिए और प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को, तो आप लोग जो हैं वो उनकी ग्रॉस अमाउंट के ऊपर सेल्स टैक्स को चार्ज करते हैं, बल्कि वो सर्विस के ऊपर होना चाहिए. और इस इशू को लेकर वो मुख्तलिफ कोर्ट्स में भी गए हैं, शायद सिंध हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला भी दिया है. तो जब एक चीज देखेंगे, एक सुनने में ही और समझने में बात एक नहीं ऐसे आती कि अगर एक मैं सर्विस दे रहा हूं
तो आपको मुझसे सर्विस चार्जेस के ऊपर अपनी टैक्स को लेना चाहिए, ना कि पूरी अमाउंट के ऊपर। तो ऐसे कानून क्यों बनाए जाते हैं, और दूसरा क्या इस कानून को ठीक करने के लिए, देखें चूंकि आजकल हमारे लिए मैं प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम अथॉरिटीज को कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फैसिलिटेशन, सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएं और रिकमेंडेशंस मांगी हुई हैं, तो क्या पीआरए ये रिकमेंड कर रहा है कि जो आपके आउटसोर्स कंपनीज हैं और जो ह्यूमन रिसोर्स कंपनीज हैं उनकी जो सेल्स टैक्स है वो उनकी सिर्फ सर्विस के ऊपर चार्ज होना चाहिए, ना कि पूरी अमाउंट के ऊपर, प्लीज? अच्छा सर, इसमें मैं सर बता देता हूँ कि इसमें जब फॉर एग्जांपल कोई ऑफिसर एक इनको किसी को नोटिस भेजता है तो वो मजबूरन लॉ के दायरे में रह के नोटिस भेजता है सर। अच्छा, उसमें ये है कि जो हमारा सेक्शन 7 है उसके अंदर सर ये चीज लिखी हुई है कि ग्रॉस अमाउंट पे सेल्स टैक्स चार्ज होगा, विच इफ आई सी इट फ्रॉम योर एंड तो मुझे समझ में आ रही है ये बात कि हाँ जी सर्विस पे होना चाहिए और उसके पीछे ऐसी वजह नहीं होनी चाहिए कि वो टोटल ग्रॉस अमाउंट पे हो। अच्छा सर, इसका जवाब मैं ऐसे दे देता हूं कि अथॉरिटी ने जो रूल्स, एक लॉ में चीज चेंज करने के लिए सर टाइम रिक्वायर्ड होता है और वो अथॉरिटी की मीटिंग में जब नए रूल्स अप्रूव हो रहे होते हैं उसमें रिकमेंडेशन जाती है। तो रिसेंटली सर नए रूल्स जो कुछ अप्रूव हो रहे हैं उसमें सुनने में ये है कि इस चीज पे भी रूल्स में एक अमेंडमेंट प्रपोज हुई है और उसको हम नियर फ्यूचर में देखेंगे। अगर वो उसमें फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने, FBR ने और अथॉरिटीज ने आपस में मिलकर डिसाइड कर लिया तो हो सकता है सर उसका भी कुछ सोल्यूशन निकल आए, क्योंकि अभी रिसेंट रूल्स में सर ये चीज प्रपोज हो चुकी है। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी फेस कर रही है वो आप लोगों के इलम में है और आप उसके लिए आवाज भी उठा रहे हैं। मैं कुछ आखिरी सवालों से पहले एक सवाल जो बहुत जरूरी करना चाहूंगा, एक नोटिफिकेशन आपका आया था 1 अक्टूबर 2019 को, द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी। इसमें देखिए, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि कानून बनाने के लिए आपको कुछ ऐसे इकदाम भी करने पड़ते हैं और सख्त बातें और सख्त कानून भी रखने पड़ते हैं, लेकिन क्या ये बहुत सख्त नहीं है कि ऐसा आप उसकी जाकर लोकेशन, ऐसा कोई शख्स जो नहीं देता, आप पिछले साल की उसकी एवरेज को निकाल कर उसकी जो सेल्स टैक्स बनेगा वो आप उससे चार्ज करेंगे, आप उसकी लोकेशन को देखेंगे, नेचर ऑफ द बिजनेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, फिर उसके कैपिटल को। तो देखें, हमें तो कन्विंस करना है, ना कि हम ऐसे कानून बनाएं जिससे हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं या ऐसे लोग जो टैक्स नेट के अंदर नहीं आते उन वो उनके मजरू किया जाए उनकी इज्जत को। तो मेरा ख्याल है कि और हमारा भी जो जो बिजनेस कम्युनिटी है वो नॉर्मली ये कहती है कि जो टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज हैं दरअसल उनके पास इख्तियारात बहुत ज्यादा हैं और जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पास इख्तियारात कम है। नॉर्मली आपका पीआरए का ये नहीं सुना गया कि बहुत सी कोई लिटिगेशंस में जाएं, या चूंकि आप बहुत कोऑपरेटिव हैं, आप बहुत फैसिलिटेटिंग हैं, तो जरा ये भी बताइए कि अगर आपके अगर कोई किसी भी टैक्स पेयर के खिलाफ या किसी भी बिजनेस पर्सन के खिलाफ अगर आपका असेसिंग ऑफिसर कोई फैसला गलत कर देता है तो हमें जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है उसको किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, आपके कौन से ट्रिब्यूनल्स हैं, या आप या हमें आप ही को आकर वापस मिलना है, इसके मुतालिक भी बताएं कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आता है, हम नहीं इत्तफाक करते आपके फैसले के साथ, तो हमें फिर क्या करना है? सर इसमें ऐसे है सर, देखें लॉज बिल्कुल सख्त हैं मैं समझ सकता हूँ, और लॉज जब बनाए जाते हैं तो वो बहुत सारी डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन और चीजों के बाद बनाए जाते हैं। सर अगर आप लॉ को देखें तो पीआरए के लॉ के अंदर कंसिस्टेंट नॉन कंप्लायंट एक टैक्स पेयर या सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये भी है कि सील करने के बाद हम उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आज तक पीआरए ने किसी की अरेस्ट नहीं की, जो कि कुछ और डिपार्टमेंट पे होता है। देखिए दूसरी बात, मैंने आपको शुरू में सर मिसाल दी थी कि इस सेमी एनुअल ये जो भी क्लोजिंग पीरियड है सितंबर तक, इसमें आपने एक भी सीए एक्टिविटी पीआरए की तरफ से सर नहीं सुनी हो। अच्छा, अब रही बात सर दूसरी के फॉर एग्जांपल के असेसिंग ऑफिसर है, अगर ऑफिसर से गलती भी हो सकती है और आपको भी पूरा ख्याल है और ऑफिसर को भी ख्याल है कि वो अपील्स में या ट्रिब्यूनल में जाके अपना अपने आप को डिफेंड कर सके, तो सर आपके पास फॉर एग्जांपल जब आपके
आपसे मेरी बात ये है कि जो बिजनेस कम्युनिटी के भी इंस्टाग्राम पे ऐसा ऑर्डर हो जाता है तो उनके पास पहला प्लेटफॉर्म तो ऑब्वियसली अपील है, यानी कि वो अपील कर रहे हैं और अपील के अगर अपील में फॉर एग्जांपल अपडेट हो जाता है ऑफिसर का फैसला तो ये सेकंड प्लेटफॉर्म इज वेल विच इज ट्रिब्यूनल ऑब्वियसली वेल अवेयर ऑफ दैट। और दूसरा और आखिरी बात सर ये है कि लॉज सख्त बनाए जाते हैं सर, हम किसी कंप्लाइंट बंदे को सर हम जान के तंग नहीं करते। शुरू सबसे पहली आपसे मेरी बात की थी कि कंसिस्टेंट नॉन कंप्लाइंट सर्विस प्रोवाइडर का वर्ड मैंने यूज किया है तो मजबूरन सर ऐसा करना पड़ता है सिर्फ उसको टेक्स्ट नेट में लाने के लिए, नहीं तो हमारी हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम ऐसा कोई हार्श में या स्ट्रिक्ट एक्शन में किसी भी बिजनेस पर्सन के। हेलो साहब, मैं बस आखिरी एक सवाल ये करूंगा कि WWF जो है वर्कर वेलफेयर फंड डबल टैक्सेशन नहीं आ जाता और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने WWF में अपनी पेमेंट्स जमा करानी है उन्हें प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ये अपना डिपॉजिट कराना चाहिए या उन्हें फेडरल FBR के साथ ये डिपॉजिट कराना चाहिए? और इसके साथ मैं इसी सवाल को कंटिन्यू करते हुए अगर आप हमारे नाजरीन से कोई और बात भी करना चाहें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हम अपने सेशन को इतना लंबा ना करें कि वो इंटरेस्ट ना रहे लोगों का। आप जरूर कोई और बात भी करना चाहें तो प्लीज आप। मैं सर एक मैसेज अपने एंड से देना चाहूंगा लेकिन उससे पहले आपका जो सर क्वेश्चन है वर्कर वेलफेयर फंड का, सर उसमें वेरी सॉरी मुझे क्योंकि हम लोगों का डायरेक्टली सर्विस से है मैं उसको खुद से देख नहीं रहा, मेरी उस पर खुद से बहुत ज्यादा स्टडी नहीं है, लेकिन आपका उसमें अगर कोई क्वेश्चन है मैं आपको उसका SRO या जो कोई एग्जैक्ट डिसीजन उस पर हो गया है आई विल शेयर इट विद यू probably by the end of next working day inshallah। अब बात रही कि पब्लिक को अगर मैसेज है तो सर पब्लिक को यही डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज है कि सर एक तो रिटर्न फाइल करें अपने टाइम के ऊपर जो कि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, क्योंकि रिटर्न फाइल करने से अब वो टैक्स जमा भी करा दें तो उनके जिस तरह वो एक नॉर्मल वर्ड आप यूज करते हैं लेमन टर्म में कि खाते में काउंट नहीं होता सर, तो वही वाली बात है कि जब एक बंदा टैक्स पे भी कर रहा है तो जब वो रिटर्न फाइल ही करेगा तो वो उसकी काउंट नहीं हो रही होती और उसका कंप्लायंस लेवल रिटर्न से ही जज किया जा रहा है। और सेकंड वो बात के सर आप जो जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं सर आप डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराएं, डिपार्टमेंट जब आपको सपोर्ट करने के लिए मौजूद है आपको जानने के तंग करने के लिए तैयार नहीं है तो जो एटीट्यूड है आपके टैक्स पेयर के साथ वो बहुत अच्छा है, नॉर्मली कोई कंप्लेंट्स नहीं है आपकी और मैं आपकी भी तारीफ करना चाहूंगा कि जो भी आपके पास आया है क्योंकि आपके पास किस वक्त होता है एनफोर्समेंट ऑफिसर का भी फैसिलिटेशन ऑफिसर का भी PRA आपके पे बहुत काम कर रहा है, मैं सबका शुक्रगुजार हूं और मैं ये भी आपसे दरखास्त करूंगा कि हमें गाने बजाए ऐसे सेशंस करते रहना चाहिए ताकि लोग जो है वो उससे मुस्तफीद हो सके। मैं आखिर में उमर फारूक साहब आपका फिर बहुत शुक्रगुजार हूं, मैं PRA का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर इत्मीनान किया और हमें मौका दिया कि हम आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में लोगों की फैसिलिटेशन के लिए हम काम कर सके। मैं ताई जुबैर जुबैर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं, मैं टेल मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूं और इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूं। बहुत शुक्रिया, ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। और लाइकवाइज जैसे कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं फ्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स का, काजी जुबैर साहब का Really grateful, inshallah, we'll see you in the future. May I have a session, inshallah, I'm sure we'll be able to do it. Thank you so much, sir. Have a nice day. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.